बिग बॉस मराठी आप सभी ने देखा होगा और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत कंटेस्टेंट थी सई लोकुर, और आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सई आपका। थैंक यू, थैंक यू। 100 दिन आपने घर में गुजारे, बहुत डिफिकल्ट थे, बाहर आने के बाद कितनी चेंज है लाइफ? 100 दिन वहाँ रहना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, और बाहर आने के बाद हाँ पहले 3-4 दिन बहुत ही जोंग फीलिंग थी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। मैं बहुत रेस्टलेस थी, मुझे अभी भी बिग बॉस की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मैं नींद में टास्क कर रही थी, ऐसे सब हो रहा था। 3-4 दिन मैं रो रही थी, हंस रही थी, एकदम मिक्सड इमोशंस थे, बट देन आई सेटल्ड डाउन। एंड चेंज यही है लाइफ में कि लोग बहुत पहचानने लगे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड हर तरह से अच्छा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, तो पीपल आर जस्ट अप्रिशिएटिंग अ लॉट। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी है, बिकॉज जब आप घर में 100 दिन रहते हो, इतनी इट इज़ सो डिफिकल्ट टू स्टे देयर, तो जब हम बाहर आते हैं ना, ऑल दैट वी वॉन्ट टू हियर इज़ लोग हमारा हमारी तारीफ करें, हमें अच्छा बोले, तो वही हो रहा है। तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज, फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, सब बहुत प्यार कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट चेंज। आप घर में गई कुछ दिनों तक, आप बहुत अच्छा खेल रही थी, लाइक इंडिविजुअल खेलना कहते हैं उस तरीके से, लेकिन एक समय आया जिसके बाद आप मेघा और पुष्कर, लाइक आप तीनों खेल रहे थे साथ में, आपको ऐसा नहीं लगता अगर आप इंडिविजुअली वैसा ही खेलती तो आप टॉप 3 में हो सकते? एक्चुअली कहना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा गेम है जो आप पहले दिन से सिर्फ इंडिविजुअली नहीं खेल सकते। और हमारे सीजन में क्या हुआ, बेसिकली उन लोगों का ग्रुप इतना बढ़ गया था कि इतना बड़ा हो गया था, तो हम लोगों को एक साथ होके खेलना पड़ा। अगर हम एक साथ नहीं खेलते तो शायद हम नहीं पहुंच पाते, बिकॉज हम तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे, एंड पहले 2-3 हफ्ते में ही हमको ये पता चल गया था कि हम तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो हमने डिसाइड किया था कि हम साथ में ही खेलेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट बनेंगे, भले वो टास्क के लिए हो या फिर घर में हो, तो हम साथ ही में रह के सपोर्ट करके खेलेंगे। आई थिंक दैट इज़ वन बिग रीज़न कि हम तीनों फाइनलिस्ट बने और हम तीनों टॉप 4 में थे। अगर हम शायद साथ में नहीं खेलते तो मुझे लगता है हम शायद नहीं पहुँच पाते वहाँ। जी, आपकी पुष्कर की और मेघा की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक मोमेंट आया जहाँ पर आप लोगों की दोस्ती ऑलमोस्ट टूट गई। आपको बीच बीच में ऐसा भी हमने देखा कि ऐसा लग रहा है कि आप मेघा की तरफ जा रही है लेकिन पुष्कर आपको वहाँ पे स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा नहीं लगा आपको कि पुष्कर आपको भड़का रहा है मेघा के अगेंस्ट? नहीं, वो मुझे भड़का नहीं रहा था, वो मुझे बस केयरफुल कर रहा था, और क्योंकि मेघा बहुत चालाक है और उसने बहुत चालाक तरीके से गेम खेला है, जिसका क्रेडिट मैं उसको डेफिनेटली दूंगी, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा गेम ही है जिसमें आपको यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन्स। तो उसने जो कुछ भी गेम के लिए किया वो क्रेडिबल है, बट हाँ दोस्ती कहीं टूट गई थी उसकी वजह से। तो पुष्की मुझे बस बोलता था कि थोड़ा बी केयरफुल, उससे थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि पता नहीं वो कौन से मोड पे कहाँ कैसी गूगली डाल दे, पता नहीं, इसलिए बोलता था। बट हाँ, और वैसे भी जो भी मेघा ने किया, हमारा जो भी झगड़ा हुआ घर में, वो गेम के लिए था, एंड वैसे तो कोई इल फीलिंग्स नहीं है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लव वॉर एंड बिग बॉस। सो आप भी बिग बॉस के घर के बाहर आके, क्या आप लोगों की मुलाकात हुई आपकी और मेघा की? हाँ हुई ना, हमारी पार्टी थी परसों महेश सर के घर पे, यस, तो वहाँ पे हम सब मिले थे, नॉट जस्ट मी, मेघा, हमारे सारे 15-18 कंटेस्टेंट्स, वी ऑल हैड अ ब्लास्ट। इट वाज लाइक रैप अप पार्टी थी हमारी बिग बॉस की, और मैं यही कहूँगी कि सब लोग बिग बॉस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड आई एम तो फीलिंग वेरी इनकम्प्लीट, इतनी आदत हो गई है उस घर में रहने की, आई एम सो यूज्ड टू हाउस की, मैं घर पे जी ऐसे ही बैठी रहती हूँ ना, आइडियल, मेरे को घर के फ्लैशेस आते रहते हैं मुंह के सामने, तो मुझे बहुत याद आती है घर की। मेघा और आपकी फ्रेंडशिप की बात की जाए, तो जब आपका झगड़ा हुआ, आपको ऐसा नहीं लगता उस वजह से आप लाइक जीतते जीतते रह गए या टॉप 3 में पहुँचते रह गए? झगड़े की वजह से आई डोंट नो यहाँ, बिकॉज सी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना उस घर का, कि हमें बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ये बिल्कुल पता नहीं रहता है। सो हम पहले दिन से जब खेल रहे थे, कैसे खेल रहे थे, हम ठीक खेल रहे हैं, गलत खेल रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, कौन से डिसीजन सही जा रहे हैं, हमारी इमेज कैसे पोर्ट्रे हो रही है बाहर, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है घर के अंदर, सो वी हैव नो क्लू। तो ऐसा मैं नहीं कह सकती कि हमारा झगड़ा हुआ इसीलिए मैं नहीं जीत पाई यार एनीथिंग। आई हैव गिवन माई बेस्ट इन द हाउस, और मैं मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली डिज़र्व करती थी फाइनलिस्ट होना, और मैं फाइनलिस्ट हूँ, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज
100 दिन वहाँ रहना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. एंड जो हम 5 लोग हैं जो एक्चुअली 100 दिन वहाँ पे रह चुके हैं, सिर्फ हम बता सकते हैं कि कैसी थी हमारी जर्नी और कितना डिफ़िकल्ट था. बिकॉज लोग सिर्फ 1.5 घंटे का एपिसोड देखते हैं, 24 घंटे हम घर के अंदर रहते हैं और हम पे क्या बीतती है सिर्फ हम ही बता सकते हैं. तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था. एंड इसीलिए यू नो फाइनलिस्ट भी होना, टॉप 4 में भी पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट लगता है. एंड सी जीतेगा एक ही जन, 18 लोग थे, 18 लोग तो नहीं जीत सकते, एक ही कोई जीतने वाला था. बट येस, ट्रॉफी भले ना जीती होंगी मैंने, बट लोगों के दिल बड़े जीते हैं, तो इसके लिए वेरी हैप्पी. ओके, आपको एक घर में टाइटल मिला था कामचोर का, कि आप काम नहीं करते हो, बहुत लेजी हो. सो ऐसा बुरा नहीं लगा क्या? ये सच है, लाइक आप बहुत मैं लेजी हूँ, ये सच है. मैं घर पे भी बड़ा, मैं काफ़ी लेजी रहती हूँ, विच इज़ ओके. बट मैं घर के अंदर काम करती थी, ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया. प्रॉब्लम यही होता था कि मैं किचन में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती थी. मैं ज़्यादातर हाउसकीपिंग या फिर टॉयलेट साफ़ करना, बाथरूम साफ़ करना, बेसिन साफ़ करना, मैं ये चीज़ें ज़्यादा करती थी. बिकॉज किचन में देयर वर मोर पीपल हु आर वेरी एक्साइटेड टू कुक, और उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, बहुत एक्सपीरियंस था. मैंने कभी 15 लोगों का खाना नहीं बनाया. मैं खुद कुक करती हूँ घर में, आई कुक फॉर माई सेल्फ, बट मेरा क्वांटिटी एकदम लिमिटेड टू 2-4 लोग होते हैं. तो मेरे को 15 लोगों के लिए क्या क्वांटिटी में क्या कैसे लेना है मुझे पता नहीं था, उतना एक्सपीरियंस नहीं था. एंड सेकेंडली, पहले 1-2-3 हफ्ते में ऐसे हुआ था कि आप जब जाते हो किचन में तो इतना सारा डोमिनेंस आ जाता है कि ये मैं करूँगी ये करो, अच्छा या मैं कुछ करने जाओ तो उसमें ये डालो, उसमें वो डालो, खुद रेसिपी बता देंगे. तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा. लाइक व्हेन आई कुक, आई वांट टू कुक बाय माय सेल्फ. तो इसीलिए मैंने थोड़ा सोचा था कि नहीं यार, कुकिंग से हम लोग दूर ही रहते हैं. बिकॉज बहुत सारे लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. मेगा तो किसी को कुक करने ही नहीं देती थी, उसको ही करना रहता था बस रोज. उसको हर चीज़ करनी होती थी किचन में, खाना भी वही बनाएगी, रोटी भी वही बेलेगी, बर्तन भी वही साफ करेगी, सब उसको ही करना रहता था. सो फॉर दैट रीज़न शायद किचन के शॉट्स ज़्यादा दिखते थे, इसीलिए लगता था कि मैं काम नहीं कर रही हूँ. बट मैंने किया है काम, मैंने बहुत सारा काम किया है घर में. ओके, अब बिग बॉस 11 की अगर हम बात करें तो उसमें शिल्पा शिंदे थी जिन्होंने इस तरह, लाइक वो हमेशा किचन में रहती थी, हमेशा काम. क्या ऐसा है कि मेघा उनको फॉलो कर रही थी? हाँ, मुझे लगता है ऐसे. सिर्फ उसको नहीं, मेघा बहुत सारे विनर्स को सब मिला के सबको फॉलो करके उसने एक मिक्सचर बना दिया था. और उसको एग्जैक्टली पता था कि मुझे क्या करना है जीतने के लिए, सेंसेशन कैसे क्रिएट करनी है. सारे, आई थिंक शी हैज स्टडीड बिग बॉस लाइक नोबडी एल्स इन द हाउस. और उसने सारे सीजन्स देखे थे, सारे कंटेस्टेंट्स को उसने स्टडी किया था. ऑफकोर्स इट्स उसका सबसे बड़ा एडवांटेज था वो कि इतना वो यू नो स्टडी करके आई थी बिग बॉस के बारे में. तो उसको पता था, टास्क भी उसको सब पता रहते थे. जब आने बिफोर बिग बॉस इवन टोल्ड अस क्या टास्क है, उसको पता रहता था कि टास्क क्या है. और उसको पता था कि कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है. या फिर मैं अगर मैं किचन में काम करूँ तो ऑडियंस मेरे को लाइक करेगी, अगर मैं ये करूँ तो ऑडियंस मेरे को लाइक करेगी, अगर मैं वो करूँ तो सेंसेशन क्रिएट होगा, ये सब उसको पता था. सो आई थिंक शी हैज़ प्लेड दैट वे. और नॉट जस्ट शिल्पा शिंदे, आई थिंक शी इज़ कम्बाइंड ऑल द विनर्स और सबका मिक्सचर मेघा धाड़े थी. जैसे घर में उषा दाई थी, जब वो एलिमिनेट हुई तो आप बहुत रो रही थी, ऐसा ऐसी कोई बात थी आपके मन में या फिर कुछ बुरा लग रहा था जो आप रो रही? ऑफ कोर्स मुझे बुरा लग रहा था, बिकॉज आऊ जब तक घर में थी तब एक ममता थी घर में. और जब भी मम्मी की याद आती थी तो मैं आऊ के पास चली जाती थी, आऊ के पास बैठती थी, आऊ को हग करती थी. बहुत बार ऐसे हुआ था कि जब मैं गुस्सा हुई थी घर के अंदर या फिर मेरा मूड नहीं था तो मैं ऐसे ही बैठी थी और मैं खाना नहीं खा रही थी. द स्टबन सई वॉज जस्ट सिटिंग यू नो. और आऊ ने खुद प्लेट में खाना डाल के मेरे पास खुद लेके आई थी और उन्होंने मुझे खिलाया था. तो ये ममता थी उनकी. और यू नो एक There's a lot of respect that I have for her. So obviously उनसे भी बहुत सारी अटैचमेंट हो गई थी. एंड शी वॉज द एल्डेस्ट इन द हाउस. तो हमेशा लगता था कि एक माँ का साया या फिर यू नो समवन हुज एल्ड, कोई बड़ा है जो हमारा ध्यान रख रहा है घर के अंदर, हमारी टेक केयर कर रहा है. आई स्टिल रिमेंबर एक टास्क के बाद मैं बहुत थक गई थी, मुझे बहुत बॉडी पेन हो रहा था और आऊ ने मुझे मेरे पैर को मसाज भी किया था घर के अंदर. तो तभी भी मैं रोने लग गई थी बिकॉज शी जस्ट लव्ड अस सो मच. एंड उन्होंने लाइक शी टुक केयर ऑफ अस एज चिल्ड्रन. सो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी आऊ से. हाँ, तो इसलिए जब वो गई तो थोड़ा मुझे बहुत बुरा लगा था. ओके, आपकी मेघा की दोस्ती की हम कब से बातें करें? एक और है उसमें, अगर हम बोले
शर्मिष्ठा के आने के बाद, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, उसके बाद आप लोगों की दोस्ती बोल सकते धीरे धीरे खत्म ही होती गई. लड़ाई तो हुई, वो एक था ही, बट उसके आने के बाद सच में आप काफ़ी दूर नहीं हो गए? हाँ, मुझे लगता है हुए हैं, बट उसका रीज़न मैं शर्मिष्ठा को नहीं ब्लेम करना चाहती हूँ. व्हाट हैपेंड वाज मी एंड पुष्की वर गेटिंग अलोंग वेरी वेल. इन दैट मीन टाइम क्या हुआ, हमारा मेरा और मेघा का झगड़ा हो गया, पुष्कर और मेघा का झगड़ा हो गया, मैं और पुष्कर साथ में आ गए और मेघा अकेली पड़ गई थी वेरी ऑनेस्टली. तो उसने उसका सपोर्ट फिर शर्मिष्ठा के पास ढूंढा, बिकॉज हम दोनों उससे गुस्सा थे उस वक्त, एंड दैट इज़ वाई दे बोथ गॉट अलोंग सो वेल. एंड उन्होंने एक दूसरे को अपना सहारा बनाया घर के अंदर, बिकॉज जैसे मैंने कहा, आप अकेले नहीं रह सकते उस घर में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टे अलोन. सो यस, दे फाउंड देयर कम्फर्ट इन ईच अदर, एंड इसीलिए वो दोनों इतना करीब आ गए थे. तो हाँ, मुझे लगता है कि शर्मिष्ठा के आने की वजह से थोड़ी मेगा मुझसे दूर हो गई, बट मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगी, वो भी बहुत अच्छी लड़की है, शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल. एंड वैसे तो मेघा भी मुझे ब्लेम करेगी ना कि मैं पुष्की से ज़्यादा क्लोज हो गई, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी, बिकॉज उस घर के अंदर अगेन लाइक आई सेड, यू नीड दैट कम्फर्ट, यू नीड दैट सपोर्ट. तो जब मेरा और मेघा का झगड़ा हुआ था, तब मुझे, मैं बहुत हर्ट हो गई थी, एंड दैट टाइम आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल कि मैं इसको ट्रस्ट कर पाऊँगी कि नहीं, तो इसीलिए मैं थोड़ा उससे दूर रह रही थी. तो दैट इज़ द सेम टाइम ये सब साथ में आ गया, इसीलिए शर्मिष्ठा भी तभी आई थी, और इसीलिए वो ज़्यादा शर्मिष्ठा के ज़्यादा क्लोज हो गई थी, और मैं पुष्की के ज़्यादा क्लोज हो गई थी एंड एंड में. बिग बॉस का घर ऐसा है जहाँ पे दोस्ती को लोग बहुत पसंद करते हैं, और इस बार भी घर में एक ट्रायो था आपका, मेघा और पुष्कर का, कैसा लोगों ने बहुत पसंद किया, उस पर क्या कहना चाहोगे? हाँ, हमारा ट्रायो बहुत फेमस है, और हमको ये घर के बाहर आने के बाद पता चला कि इतना फेमस हो गया था, बिकॉज घर के अंदर तो वी डोंट नो एनी थिंग व्हाट्स हैपनिंग. सो हाँ, अच्छा ट्रायो बना था, हमारी दोस्ती भी काफ़ी गहरी हुई थी. आई थिंक फर्स्ट 10 वीक्स तो बहुत ही ज़्यादा हम साथ में थे. जेन्युइनली आई फील वेरी गुड अबाउट दीज टू पीपल, और वेरी ऑनेस्टली बिग बॉस के घर के अंदर ऐसी दोस्ती होना इज़ वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज ये ऐसा घर है जहाँ एवरीबडी इज़ योर कॉम्पिटिटर, और आपको बेसिकली फॉर्मेट ही ऐसा है ना कि आप किसी को दबा के आप आगे जाना चाहते हो, बट ये फीलिंग हमारे बीच में कभी नहीं आई थी. पहले ही वीक में उन लोगों का इतना बड़ा ग्रुप हो गया था, और हम सिर्फ हम रह गए थे, और हम तीन रह गए थे, ऋतुजा थी हमारे साथ और आउ थी, और आउ तो टास्क नहीं करती थी, हम चार थे, और ऋतुजा अनफॉर्चुनेटली बाहर चली गई थी बिकॉज ऑफ हर इंजरी. सो राइट फ्रॉम द खुर्ची सम्राट टास्क, जो पहला टास्क हुआ था सबसे बड़ा, तभी लगा था कि मेघा और पुष्कर और सई, हम तीनों में कुछ बात है, और वी जस्ट फेल्ट कि येस, वी फील लाइक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स, एंड विच इज़ वाई वी डिसाइडेड कि हमारा बॉन्डिंग अच्छा तभी हो गया था फर्स्ट वीक में. इनफैक्ट मैं जब घर के अंदर गई थी, मैं पुष्की के साथ मैंने एंट्री ली थी, और जब मैं अंदर गई तो मैं पहले मेघा को मिली थी, और मेघा ने ऑलरेडी बेड पे, डबल बेड पे उसने बैग रख दिया था, तो मैंने जाके मेरा बैग उसके बाजू में रख दिया था. तो तभी से हमारी दोस्ती हो गई थी, एंड वी शेयर्ड द सेम बेड, एंड ऑफकोर्स पहले हफ्ते से ही हम लोग बहुत क्लोज हो गए थे, एंड तभी डिसाइड किया था कि हमारा ग्रुप है, हमारा ट्रायो है, हम स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, हम अच्छे से खेलेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, और हमारा सपना यही था कि फिनाले तक पहुंचना है, तीनों को पहुंचना है, और हम आप लोगों ने वहां पे लिखा हम भी था, हमेशा लिखते थे सही पुष्कर में. सो यस, द ड्रीम्स हैव कम ट्रू. या अगर घर की बात करें तो 20 लोग थे, जिस तरीके से आपने बताया 18 लोग, सो उसमें से आपके हर किसी से एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छा हो गया था, नॉर्मल बातचीत हो गई थी, बट स्मिता के साथ नहीं हुआ था, उसके साथ अच्छी दोस्ती नहीं हो पाई. वेरी ऑनेस्टली स्मिता उस ग्रुप में थी, और आई थिंक इनिशियली जब गेम स्टार्ट हुआ था, तब पहले 6-7 हफ्ते बहुत राइवलरी थी दोनों ग्रुप्स में, एंड टास्क में भी हमारा इतना झगड़ा होता था, इतना एग्रेशन बढ़ जाता था, कि मन में यही था कि उनका ग्रुप है, हमारा ग्रुप है, हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे, उनसे हम नहीं बात करेंगे, एंड सो द नेगेटिविटी वॉज देयर इन द माइंड. एक्चुअली नहीं होनी चाहिए थी, बट थी, बिकॉज वो अलग टीम में थे, और हम लोगों को नहीं अच्छा लगता था जिस तरीके से वो हमसे बिहेव करते थे इन द इनिशियल वीक्स, बिकॉज ऐसे लगता था बहुत डोमिनेटिंग है. कहीं ना कहीं मेरे को लगता है मैं, मेघा, पुष्की, ऋतुजा, हम थोड़े अंडरडॉग्स थे, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग थे, उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा काम किया था, तो कहीं ना कहीं वो उनका एटीट्यूड हमें दिखाई देता था, यू नो, एंड दे यूज़ टू बी लाइक, अरे तुम कौन हो,
ऐसे हमको फीलिंग आती थी यू नो, तो मेरे को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. सो विच इज़ वाई हम लोग हमना अपना अपना रहते थे एंड बस यही था कि हमें और तुम्हें हमारे हाँ और हमारे ग्रुप में और तुम्हारे ग्रुप में बस दुश्मनी है, ऐसी ही फीलिंग थी इन द बिगनिंग. बट जैसे जैसे लोग बाहर जाते गए यू नो एंड घर सुना सुना होते गया, देन वी रियलाइज दैट आप किसी को हेट नहीं कर सकते इस घर के अंदर बिकॉज आप लोग शायद एक कॉन्वर्सेशन करते जिसमें बोला आप लोगों ने कि उनके ग्रुप से एक-एक जा रहे हैं और हम लोग बहुत खुश होते थे ऑब्वियसली बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांटेड. कि मेरी और मेघा की बात हुई थी एक बार और मैं हमेशा टेंशन में रहती थी कि बिकॉज हर टास्क हम लोग माइनॉरिटी में परफॉर्म करते थे, वहाँ पे 8-8 लोग और हम बस 3 लोग, हर टास्क में ऐसे होता था बिगनिंग में और फिर भी हम लोग इतना अच्छे से परफॉर्म करके यू नो वी टू बी सो स्ट्रांग एंड परफॉर्म. तो मैं हमेशा कहती थी कि यार ये क्या है, कब बदलेगा ये, हमारा ग्रुप इतना छोटा है. पुष्की भी बोलता था लोग कम पढ़ रहे. तो मेघा ने मेरे को बात बोली कि अच्छा उनके ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं ना, हम एक एक करके कम करेंगे उनको. तो ये उसने बोला था घर के अंदर एंड वैसे ही होते गया. सो विच वॉज गुड. बट वॉट हैपेंड वॉज जैसे लोग चले गए ना, वी रियलाइज वन थिंग दैट हम लोग वो नेगेटिविटी में नहीं रह पा रहे थे बिकॉज स्ट्रेस इतना था घर के अंदर. तो एक दूसरे को यू नो यू फाइट विद दैट देम विद द ऑपोजिट टीम एंड देन यू हैव दिस नेगेटिविटी, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था टू हैंडल यू नो मेंटली एंड इमोशनली. एंड ऐसा भी नहीं है ना कि आप किसी को इग्नोर कर सकते हो अभी बाहर की दुनिया में. एग्जैक्टली बाहर की दुनिया में अगर आप कोई आपको कोई पसंद नहीं आया या फिर यू गेट एंग्री ऑन समवन, आप बस बोलोगे चलो मेरे को उससे बात नहीं करनी है, आई इग्नोर हिम, इसका फ़ोन नहीं उठाऊंगी, इससे नहीं मिलूंगी. वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं हो सकता बिकॉज यू लिव इन द सेम हाउस, यू आर बाउंडेड टू दैट फोर वॉल्स. तो आपको उठना भी उनके साथ है, बैठना भी उनके साथ है, सोना भी उनके साथ है, खाना भी उनके साथ है, पीना भी उनके साथ है, तो सब कुछ उनके साथ ही करना है. तो वैसे उनको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते बिकॉज दैट पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ यू 24/7. सो दैट इज टू बी वेरी डिफिकल्ट. तो एंड प्लस द स्ट्रेस वॉज सो मच दैट वी रियलाइज कि देर इज नो पॉइंट कीपिंग सो मच नेगेटिविटी. तो एंड में हम सब साथ हो गए एंड इमोशनली हम सैचुरेट हो गए थे एक पॉइंट के बाद एंड देन वी डिसाइडेड कि लेट्स नॉट कीप द नेगेटिविटी. और उसके बाद उनके ग्रुप से आई थिंक सिर्फ रेशम था, यास्ताद और स्मिता बचे थे और हमारे ग्रुप से हम 3 बचे थे और शर्मिष्ठा एक एडेड कंटेस्टेंट थी आई थिंक. तब से उसके बीच में ही आई हैड दिस अपोलॉजी थिंग विद रेशम ताई और उसके साथ मेरा जो भी था वो पूरा क्लियर आउट हो चुका था उसके पहले. एंड देन आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद स्मिता ऑल्सो और मैंने फिर बिग बॉस में भी कहा था कि मेरी गलती हो गई कि मैंने इस लड़की को नहीं पहचाना. शी इज़ वेरी वेरी स्वीट, बहुत ही अच्छी लड़की है, वेरी ग्राउंडेड, वेरी पोलाइट, वेरी काइंड, वेरी हेल्पफुल. और मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया और मैंने स्मिता को नहीं पहचाना और उससे दोस्ती नहीं की. तो मुझे एक्चुअली आई फेल्ट बैड यू नो इन द हाउस और मैंने ये बोला भी था महेश सर को. बट उसके बाद मेरी स्मिता से अच्छी दोस्ती हुई और अभी भी अच्छी दोस्ती हुई है. मैं इनफैक्ट मैं जब घर के बाहर आई मेरे को सबसे पहले फ़ोन स्मिता का आया था अमंगस्ट ऑल द कंटेस्टेंट्स इन द हाउस. तो स्मिता का मुझे फ़ोन आया था और हमने बात की, हमारे इंटरव्यूज़ भी चल रहे साथ में. तो वो बहुत ही अच्छी लड़की है एंड भले मैंने लेट पहचाना है उसको बट आई एम हर फ्रेंड नाउ और मैं चाहूँगी कि हम हमेशा दोस्त रहे. स्मिता की बात हो रही है तो उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान की गई थी जहाँ पे हर कोई था एक्सेप्ट 3 ऑफ यू. या आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे पता नहीं था कि मेघा और पुष्की भी नहीं गए हैं उस पार्टी में बिकॉज मेरी आने के बाद किसी से बात नहीं हुई थी. लाइक आई सेड हम लोग इतना मैं खुद इतनी जोंग्ड हो गई थी कि मैंने मेरा फ़ोन इवन इफ़ आई केम आउट आई वॉज नॉट लुकिंग एट माई फ़ोन, मैंने साइड में रख दिया था फ़ोन. मैं किसी के फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं कर रही थी, किसी का मैसेजेस नहीं पढ़ रही थी बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक माई स्पेस एंड ब्रीद यू नो बिकॉज इट वॉज अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग. मैं जब मेरे घर में गई मेरा घर देख के मैं रोने लग गई. फिर मैं 3-4 दिन मैं जंक फूड खा रही थी, पाव भाजी देख के मैं रोने लग गई. तो ये बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग थी तो इसीलिए मैं किसी से बात नहीं कर रही थी. तो मुझे नहीं पता था कि वो दोनों पार्टी को नहीं गए हैं. बट सिंस आई वॉज नॉट आंसरिंग माई फ़ोन कॉल्स, मेरी मासी और वो सब मुझे मिलने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए घर आ गए थे उसी दिन शाम को. तो आई मेट देम ऑल्सो आफ्टर 100 डेज. तो मैं नहीं जा पाई पार्टी को, मेरी बात हुई थी स्मिता से. ओके बिग बॉस की बात हो रही है, हिंदी बिग बॉस 11 सीजन खत्म हो चुके, 12th आ रहा है जिसमें जोड़ियों में जाना है. हाँ. सो अगर आपको प्रपोजल आता है और अगर आप हाँ बोलती है तो आप उस्ताद पुष्कर और मेघा में से किसके साथ जाना चाहेंगे?
confused question, but I think only for the reason of an amazing player. I think मैं मेघा के साथ जाऊंगी because उसको बहुत knowledge है बिग बॉस के बारे में. Yeah, yeah. She knows how to play the game and उसको बहुत knowledge है उसके बारे में. And I think वैसे भी इस सीजन में भी हम लोग काफ़ी साथ में ही खेले थे. यू नो मी एंड मेघा ऑल्सो हैव बीन लाइक अ वेरी फेमस डीओ आउटसाइड द हाउस. और हमने सारे टास्क सारा प्लानिंग हम लोग वो बेड पे बैठ के हम लोग रात को पूरा फायर अप करते थे. और मैंने आई थिंक हम इस सीजन में भी हम काफ़ी साथ में खेले हैं. तो अगर मैं हिंदी के लिए जाना चाहूँ तो मैं मेघा के साथ जाऊँगी. ओके ये तो हो गई बिग बॉस की बात. अगर आपकी लाइफ की बात करें तो बिग बॉस से आने के बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप साइन कर रहे हैं और किस मूवी में या सीरियल में हम आपको देख सकते हैं? वेरी ऑनेस्टली जब मैं घर के अंदर थी तो मेरी शादी की बड़ी बात हो रही थी घर के अंदर कि मैं यू नो आई वाज गोइंग टू गो आउट एंड गेट मैरिड एंड ऑल. बट वो पूरा मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया बाहर आने के बाद बिकॉज लोग इतना पसंद कर रहे हैं. इतना एवरीबडी इज़ आस्किंग मी कि मैं कब वापस आऊँगी टीवी पे या फिल्म करूँगी. दे वॉन्ट टू सी मी, माई फॉलोअर्स वॉन्ट टू सी मी अगैन. तो मैंने शादी का थॉट ना थोड़ा साइड में रख दिया है. नाउ आई जस्ट वांट टू कंसंट्रेट ऑन वर्क. और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारा काम करूँ, बहुत सारे फिल्म्स करूँ और लोगों को बहुत सारा एंटरटेन करूँ. सो आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स. थोड़ा मुझे अभी वाइजली चूज़ करना है कि मुझे क्या करना है बिकॉज बिग बॉस ने मेरा लेवल यहाँ कर दिया है यू नो. सो आई हैव टू कीप अप दैट लेवल एंड आई शुड नॉट लेट इट डाउन. सो बिग बॉस की वजह से बहुत फ़ायदा हो रहा है. इट्स ओपनड अप अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर मी. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है. तो आई हैव नॉट येट साइंड एनीथिंग बट आई एम जस्ट डिसाइडिंग. बट येस आई कैन श्योरली से कि मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगी अभी एंड आई एंटरटेन ऑल द ऑडियंसेज. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच.